नमस्ते आप लोग बैठिए फिर एक बार आपका ये दोस्त आपके बीच में है मैं सबसे पहले तो 2020 इस नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये 2020 का सिर्फ नया वर्ष ऐसा नहीं है ये नया डेकेड है नया दशक है और आपके जीवन में दशक जितना महत्वपूर्ण है उतना ही हिंदुस्तान के लिए भी यह दशक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका मतलब ये हुआ कि इस दशक में देश जो भी करेगा उसमें इस समय जो दसवीं बारहवीं के विद्यार्थी हैं उनका सबसे ज्यादा योगदान होगा मतलब ये दशक महत्वपूर्ण बने नई ऊंचाइयों को पाने वाला बने नए सपने नए संकल्प नए अरमान नई सिद्धियों के साथ आगे बढ़े ये सब इस पीढ़ी पर ज्यादा निर्भर करता है और इसलिए भी इस दशक के लिए मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं सरकार में बहुत लंबे समय से मैं बंधा हुआ हूं बहुत लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा तो फिर से आप लोगों ने ये काम दे दिया और इसके कारण कई कार्यक्रमों में जाना होता है अनेक विध प्रकार की प्रवृत्तियों से जुड़ने का अवसर मिलता है हर प्रसंग का एक अपना अनुभव होता है कुछ जानने को मिलता है कुछ सीखने को मिलता है हर एक का अपना अपना महत्व होता है लेकिन अगर कोई मुझे कहे के सारे इतने कार्यक्रमों के बीच वो कौन सा कार्यक्रम है जो आपको सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला है अपने दिल के करीब है तो मैं कहूंगा क्या दिशा दिशा। कौन सा बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वह मैं जब इसकी तैयारी होती है जब आप लोग कुछ लिख करके भेजते हैं और मैं देख रहा हूं कि देश के हजारों स्कूल शायद देश का कोई तहसील ऐसा नहीं होता होगा जो इससे जुड़ता ना हो तो मुझे भी देश के अलग अलग कोने में युवा मन क्या सोचता है युवा मन क्या चाहता है युवा मन क्या कर सकता है ये मैं भली भांति फील कर सकता हूं मैं अंदाज करा अच्छा इतना बढ़िया बता रहे हैं बच्चे तो मन को एक आनंद आता है उसी प्रकार से जब मैं नौजवानों के साथ हैकेथॉन के कार्यक्रम में जाता हूं भारत का उज्जवल भविष्य कितनी नई इमेजिनेशन के साथ आगे बढ़ सकता है ये उसमें अनुभव आता है तो ऐसे कई कार्यक्रम जहां पर नौजवानों से मिलने का मौका मिलता है युवा पीढ़ी से बात करने का अवसर मिलता है तो मेरे लिए भी एक शिक्षा का अवसर होता है और इसलिए मैं अब यह सीख है कि मैं परीक्षा पे चर्चा न करता तो प्रधानमंत्री की कुर्सी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं थी अगर मैं न करता तो कोई अखबार में एडिटोरियल भी नहीं छपने वाला था कि देश का प्रधानमंत्री क्या करता है ये करता तो है नहीं नहीं मैंने खुद ने खोज करके अपने जिम में लिया है क्योंकि जैसे आपके माता पिता जब आप नौवीं कक्षा से निकलने की तैयारी में हो उनके दिमाग में दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं भर जाती है कुछ भी करोगा पता नहीं अब दसवीं में आ गया समझ नहीं आता है बारहवीं कौन समझाएगा तुझे ऐसा कहते कि नहीं कहते दिन में सौ बारे डायलॉग सुनते हो ना तो मुझे लगा कि आपके माता पिता का भी बोझ मुझे थोड़ा हल्का करना चाहिए तो जो काम वो करते हैं मैं ही सामूहिक रूप से कर लू तो मैं भी तो आपके परिवार का सदस्य हूं और दूसरा हमारे यहां गुजराती में एक कहावत है पार की मां कान बिंधे यानी किसी को कान में जब नहीं वो छेद करते हैं मुझे भी है मैं बचपन में, में पहनता था <laughs> लेकिन हम वो नीम की वो पत्ती रहती थी उसका एक छोटा सा लगा देते थे वो लकड़ी होती थी अंदर माँ डाल देती थी लेकिन घर में जो कहा जाता है मम्मी पापा रोज कहते हैं यही सुनाते हैं लेकिन कोई बाहर का कहता है तो कभी कभी वो रजिस्टर ठीक से हो जाता है हो सकता है कि जो बात आपके मां बाप करते हैं आपके गार्डियन आपके पिता आपके टीचर करते हैं वही काम मैं करता हूं अलग तरीके से करता हूं और अपनेपन से करता हूं आपका दोस्त बन करके आपका साथी बन करके, एक मददगार के रूप में मैं करता हूं इसलिए मुझे भी संतोष मिलता है और आपको भी मैं बोझ नहीं लगता हूं नहीं लगता हूं ना है यार ये प्रधानमंत्री क्या कहेंगे फिर घर जाएंगे तो यही करना पड़ेगा ऐसा तो नहीं है ना तो आज हम बातचीत शुरू करते हैं और आजकल की फैशन है भाई #withoutfilter फिल्टर <laughs> तो हमारे बीच भी #withoutfilter विदाउट फिल्टर जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं वैसे ही करेंगे कोई बोझ नहीं हल्की फुल्की बातें गलती भी हो सकती है मेरी भी हो सकती है और मेरी होगी तो टीवी वालों को भी मजा आएगा मैं ज्यादा तो उनको खुश नहीं कर सकता हूं लेकिन अगर उनको इससे भी खुशी मिलती है तो मुझे और खुशी होती है खैर दोस्तों हल्के फुलके इस माहौल में अपन बातचीत शुरू करते हैं पहला सवाल किसका है माननीय प्रधानमंत्री जी आपके उत्साहपूर्ण प्रेरक उद्बोधन से सभागार में उत्सव का माहौल बन गया है इस सभागार में उपस्थित हजारों छात्र छात्राओं के अलावा विश्व भर के 25 देशों से 30 करोड़ से अधिक छात्र शिक्षक एवं अभिभावक इससे लाभान्वित हो रहे हैं मान्यवर आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से अब हम सभी विद्यार्थियों शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए संयुक्त लाभदायक प्रश्नों की श्रृंखला का आरंभ करना चाहते हैं आइए अब प्रधानमंत्री जी के अनुमति से बढ़ते हैं परीक्षा पे चर्चा 2020 की विशिष्ट आकर्षण की ओर मान्यवर देश की आन बान शान की भूमि राजस्थान के पीडीएस सेकेंडरी स्कूल की कक्षा दसवीं की छात्रा यशश्री यहाँ उपस्थित है और आपसे मार्गदर्शन चाहती है अपना प्रश्न पूछिए यशश्री गुड मॉर्निंग सर आई यश्री फ्रॉम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल राजस्थान माय क्लासमेट्स एंड आई आर अपीयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर तो इसके बारे में हमारा बहुत बार मूड ऑफ हो जाता है सो सर प्लीज मोटिवेट एंड गिव समेस द एग्जाम्स विदाउट एनी स्ट्रेस एंड नोवसनेस थैंक यू धन्यवाद यश्री मान्य प्रधानमंत्री जी यश्री यह जानना चाहती है कि बोर्ड की परीक्षाओं के विचार उनका मूड ऑफ कर देता है वह कैसे अपने आप को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करे मैं सोच रहा था नौजवानों का तो मूड ऑफ होना ही नहीं चाहिए लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मूड ऑफ क्यों होता है अपने खुद के कारण से कि बाहर की परिस्थिति से ज्यादातर आपने देखा होगा कि अधिकतम केस में दिमाग खराब होता है मूड ऑफ हो जाता है काम करने का मन नहीं करता है उसमें बाहर की परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेवार होती है जैसे माने ने अपने माँ को कहा कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ 6 बजे मुझे कुछ चाय वगैरह मिल जाए देखना फिर आप पढ़ रहे हैं बड़ी मस्ती से लेकिन बीच बीच में घड़ी देखते हैं छह बजे कि नहीं बजे <laughs> तो गड़बड़ वहीं से शुरू होती है और फिर मां को आने में देर हो गई वो पंद्रह मिनट अंदर से तूफान खड़ा हो जाता है माँ समझती क्या है उसको समझ नहीं है मेरी दसवीं की एग्जाम है मुझे पढ़ना है मैंने छः बजे चाय के लिए बोला था मुड़ पक्का यही होता है ना अब सोचने का तरीका दूसरा ये सब हुआ लेकिन अगर आपने ये सोचा अरे माँ इतनी मेहनत करती है मेरी इतनी चिंता करती है जरूर कुछ हुआ होगा कि मां छह बजे चाय नहीं ले पाई तकलीफ में होगी मैं जरा देखूं मां को कुछ हुआ तो नहीं है मुझे बताइए मूड ऑफ होगा कि मूड चार्ज हो जाएगा क्यों क्योंकि आपने अपनी अपेक्षा को इतना अपने साथ नहीं जोड़ दिया कि जिसके कारण वो अपेक्षा पूरी न होते ही एकदम से मूड डाउन हो जाता है अगर हम आदत बना दें आपने देखा होगा कि हम पांच छह दोस्तों ने कोई खेलने का कार्यक्रम बना दिया खेलने के लिए जा रहे हैं लेकिन एक साथी अभी आया नहीं हम लोगों को जाना है जल्दी जाना है आपने देखा होगा कि उन पांच जो पहुंच गए हैं उसमें दो ऐसे होंगे जो छटपट आएंगे यार आया नहीं यार आया नहीं देखो लेट हो गया देखो लेट हो गया उनका दिमाग उसमें तीन ऐसे होंगे अरे यार छोड़ आएगा अपना मन का कैसा हम मैनेजमेंट करते हैं ये मूड का साथ जहां तक मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन का सवाल है जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इन चीजों से गुजरना न पड़ता हो हर किसी को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है बार बार गुजरना पड़ता है कभी कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं कभी एकदम से असफलता मिली तो डिमोटिवेट हो जाते हैं अब आप देखिए चंद्रयान आप सब रात को जाग रहे थे हैं? चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन था क्या नहीं था लेकिन आप ऐसा ही मन लगा के बैठे बैठे जैसे आपने ही किया है किया कि ऐसा होता था नहीं होता और जब नहीं हुआ तो आप सबके सब, के सब साइंटिस्ट से पूरा हिंदुस्तान एक प्रकार से डीमोटिवेट हो गया नहीं हो गया था अब सब रात को जाग रहे थे कभी कभी विफलता हमको ऐसा कर देती है उस दिन मैं भी वहां मौजूद था कुछ लोगों ने मुझे मैं आज सिक्रेट बताता हूं कुछ लोगों ने मुझे बताया था मोदी जी आपको वहां इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है आप जाएंगे और फेल हो गया तो क्या करोगे मैंने कहा इसीलिए मुझे जाना चाहिए और जब लास्ट लास्ट कुछ मिनट्स थे मैं देख रहा था साइंटिस्टों के चेहरे पर बदलाव दिख रहा है तनाव दिख रहा है एक दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो मैं समझा कुछ अनहोनी हम साइंटिस्ट तो है नहीं तो पूरा समझ तो आता नहीं था लेकिन उनके चेहरे से लग रहा कुछ अनहोनी हो रही है फिर थोड़ी देर में आकर के उन्होंने मुझे बताया मैंने कहा ठीक है आप ट्राई कर रहे हैं करिए मैं बैठा हूं फिर एक दस मिनट के बाद उन्होंने बताया साहब नहीं हो रहा है तो फिर मैं कुछ साइंटिस्टों के साथ वहां बैठा कुछ बातें की अंदर भी जाकर के थोड़ा चक्कर लगाया चिंता मत कीजिए ऐसा करके फिर मैं रात को करीब तीन बज गए थे मैं तो अपने होटल पे गया लेकिन मैं चैन से बैठ नहीं पाया सोने का मन नहीं करता था हमारी जो पीएमओ की टीम है तो वो अपने कमरे में चली गई थी आधा पौना घंटा ऐसे ही बिताया मैं चक्कर काट रहा था तो मैंने कहा ऐसा करो यार सबको बुलाओ तो फिर जो बेचारे सो गए थे उनको बुलाया मैंने कहा देखिए सुबह हमको जाना है लेकिन हम कार्यक्रम बदल कर देंगे सुबह हम जल्दी नहीं जाएंगे देर से जाएंगे और इन साइंटिस्टों को रात के तीन बज गए हैं लेकिन क्या सुबह सात साढ़े सात आठ बजे इकट्ठे हो सकते हैं क्या मैं मिलना चाहता हूं मैं जा सकता था सुबह उठ करके चला जाता और जिस देश में कोई नोटिस भी नहीं करता कोई जरूरत भी नहीं थी मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था और इसलिए मैं सुबह उन साइंटिस्टों को फिर से इकट्ठा किया मेरे भाव मैंने व्यक्त किए उनके परिश्रम को जितनी सराहना की जा सकती है कि देश के सपनों की बातें की एक पूरा माहौल बदल गया और वहां बदला ऐसा नहीं पूरे हिंदुस्तान का बदल गया जिस घटना ने और बाद में क्या हुआ सब आपने टीवी पे देखा है मैं कहना नहीं चाहता हूं कहने का मतलब यह है कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं और किसी चीज में आप विफल गए इसका मतलब यह है कि आप आप सफलता की ओर चल पड़े हैं अगर वहीं रुक गए फिर तो कितने ही ट्रैक्टर लगा दे आपको खींचने के लिए नहीं निकल सकते हो एक खुद तय करो तो आप निकल सकते हो और इसलिए मोटिवेशन डीमोटिवेशन आपको मालूम होगा 2001 में सर कोलकाता में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था तब आप लोग तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा और ऐसी स्थिति हो गई भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर है तो 2001 एक में ऑस्ट्रेलिया और भारत का कोलकाता कौल में मैच था फॉलो होना पड़ा बुरे हाल थे दोबारा खेलने आए तो फटाफट विकेट जाने लगी सारा माहौल डीमोटिवेशन का था ऑडियंस भी नाराजगी अपनी व्यक्त करती ही रहती है भूल जाती है कि मेरे अपने खेल रहे हैं जरा उत्साह बढ़ाओ लेकिन तब ए, क्या आउट हो गए देखो क्या ऐसा होता है लेकिन आपको याद होगा राहुल द्रविड़ और बी लक्ष्मण इन दोनों ने उस देश पर जो कमाल किया ऐसे धीरे 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 तक शाम तक खेल को खींचते चले गए सारी परिस्थिति को उलट कर दिया इतना ही नहीं वो जीत करके आ गए मैच को माहौल पूरा डिमोटिवेशन का था लेकिन एक संकल्प कैसे हार सकते हैं? जूट जूट जाएंगे जूझेंगे बॉल एक एक बॉल के साथ खेल ताकत दिखाएंगे परिणाम दिया तो 2002 में भी आपने देखा होगा भारत की टीम वेस्टइंडीज खेलने गई थी तो उस समय हमारे अच्छे बॉलर अनिल कुंबले उनको एक बाउंसर से चोट आई और पूरा जड़बा टूट गया काफी पट्टिया वटियां बांध करके और उसका पेन आप समझ सकते हैं यहां जब चोट लगती है तो दांत में थोड़ा सा भी दर्द होता है कितना होता है अब स्थिति यह थी कि अनिल बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की रोते नहीं बैठे अगर वो न भी खेलते तो देश उनको दोष नहीं देता लेकिन उन्होंने तय किया नहीं मेरा जिम्मा है ठीक है दर्द होता है तो होता है जितनी पट्टियां लगा सकते हैं लगाएं, मैदान में उतरे और आपको पता होगा कि उस समय बारह लारा के विकेट लेना यानी बड़ा अचीवमेंट माना जाता था और ब्राउन लारा के विकेट लेकर के उन्होंने मैच का पूरा चित्र पलट दिया यानी एक व्यक्ति का संकल्प औरों को और भी मोटिवेशन का कितना बड़ा कारण बन जाता है ऐसी अनेक घटनाएं आपके सामने होगी जिसको देख करके आप तय कर सकते हैं कि मैं इमोशंस को मैनेज करने का मेरा तरीका उस पर देखने का मैसा कर कैसी तरीका है उस पर निर्भर करता है अगर इसको हमने कर लिया तो मूड ऑफ होगा लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे और फिर आप उसी स्वस्थ मन से अपनी बात को आगे बढ़ा सकेंगे धन्यवाद आपको लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली सभी बाधाओं का निराकरण आपके वचनों से हो गया माननीय अब मूड एकदम फ्रेश हो गया सर। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की साधना केदारनाथ के राज्य उत्तराखंड से कक्षा दसवीं के मयंक नेगी ब्लूमिंग वेर पब्लिक स्कूल श्रीमान से मार्गदर्शन चाहते हैं मे वी द क्वेश्चन प्लीज माननीय प्रधानमंत्री महोदय शुक्रवाद मैं, मैं ब्लूमिंग पब्लिक स्कूल कोर उत्तराखंड से कक्षा दस का छात्र हूँ सफल लोग जैसे बिल गेट्स और मार्क्सर्बक अपने प्रारंभिक जीवन में असफल साबित हुए हैं अतः परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों द्वारा ही किसी की पहचान नहीं की जा सकती है माननीय महोदय मेरा प्रश्न यह है की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु हम अपना कितना ध्यान केंद्रित करें धन्यवाद धन्यवाद मयंक मान्यवय प्रधानमंत्री जी मयंक यह जानना चाहते हैं कि जीवन में सफलता का मापदंड क्या केवल परीक्षा में प्राप्त मार्क्स है आपकी ये चिंता सही है और शायद हर विद्यार्थी को घर में और स्कूल में लगातार इसी का मुकाबला करना पड़ता होगा क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग उस दिशा में चल पड़े हैं हमारी शिक्षा को लेकर के जिसमें सफलता विफलता का एक टर्निंग पॉइंट कुछ विशेष परीक्षाओं के मार्क्स बन गया है और उसके कारण मन भी उस बात पर रहता है कि बाकी सब बाद में करूंगा एक बार मार्क्स ले आऊं मां बाप भी यही एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं कह रहे भाई पहले तुम दसवीं बढ़िया कर लो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा फिर ग्यारहवीं में आएंगे तो फिर कहेंगे भाई बात बराबर है लेकिन बारहवीं बहुत महत्व की है जरा इस पर जोर लगा दो फिर कहेंगे एंट्रेंस एग्जाम महत्व की इस पर जोर लगा दो उनका इरादा होता है कि बच्चे को जरा मोटिवेट करें उत्साहित करें लेकिन किसी जमाने में शायद यह सत्य होगा आज दुनिया बहुत बदल चुकी है संभावनाएं बहुत बढ़ गई है सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है उसी प्रकार से कोई एक एग्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है वो एक पड़ाव है सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना चाहिए जिस दिन मां बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो बस, कुछ नहीं ये जो मूड बना देते हो मेहर करके ऐसा मत करो ये हुआ अच्छी बात है ज्यादा अच्छा हो और अच्छी बात है लेकिन कुछ न हुआ तो जैसे दुनिया लूट गई यह सोच बिल्कुल ही आज के युग में उपयुक्त नहीं है बहुत सारे स्कोप है जीवन के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं आप, आपने देखा होगा किसान हो सकता है स्कूली शिक्षा बहुत कम हुई हो लेकिन वो सीखता है अनुभव करता है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है शिक्षा की अपने खेती की पद्धति बदलता है आधुनिक करता है जीवन को कितना बढ़िया बना देता है और इसलिए मैं साफ कहूंगा कि परीक्षा का महत्व है उसके बावजूद भी परीक्षा ही जिंदगी है ये सोच से हमें बाहर आना चाहिए जीवन में कई प्रवृत्तियां होती हैं कई चीजें होती हैं इसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपके प्रेरक वचन हम सब के लिए प्रेरणा के सूत्र हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ इंडिया द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश प्रजक्ता आतंक अ स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन ऑफ केंद्रीय विद्यालय गंगानगर ग्रहा जबलपुर ज्वाइंस टू आस्क हर क्वेश्चन

दिल्ली की कक्षा 9वीं की छात्रा रिया नेगी अपने मन में उठने वाले प्रश्न का समाधान चाहती हैं। रिया सभागार में बैठी हैं। रिया कृपया अपना प्रश्न पूछें प्रधानमंत्री जी मैं, मैं रिया नेगी कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ मैं गवर्नमेंट गर्ल्स गो सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर टू में पढ़ती हूँ मैं दिल्ली से हूँ और मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं मगर अन्य अन्य क्षेत्रों जैसे खेल कूद संगीत इत्यादि में अच्छे होते हैं वह अब उनका भविष्य क्या होगा इस पर अब इस पर अपनी राय दीजिए धन्यवाद रिया महोदय एक और भी प्रश्न इसी से मिलता जुलता है अ रेसिडेंट ऑफ हुगली कोलकाता द लैंड ऑफ ग्रेट सेंट विवेकानंद एंड नोबल लॉरिएट गुरुदेव रविंद्र नाथ अनामिका भुनिया of Jawahar Navoday Vidyalaya is here with us स टू आस्क हर क्वेश्चन अनामिका कृपया अपना प्रश्न पूछिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जवाहर नवोदया विद्यालय हुगली वेस्ट बेंगाल माई क्वेश्चन इज हाउ कैन वी मेक अ बैलेंस बिटवीन आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड एक सर प्लीज गिवर समेंक यू थैंक यू अनामिका मान्यवर प्राजक्ता रिया व अनामिका उत्सुक हैं यह जानने को कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं व पढ़ाई के बीच सामंजस्य या बैलेंस कैसे स्थापित करें अच्छा आप लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं जवाब देंगे आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी करता हूँ या करती हूँ तो